आज हम बनाएंगे बचे हुए आटे में पुलुंटे। सबसे पहले एक पैन ले लें, फिर उसमें तेल डालें और फिर राया और माश की दाल ऐड करें और थोड़ी देर तेल में तल लें। माश की दाल को थोड़ा ब्राउन होने तक पका लें। इसके बाद थोड़ा सा करी पाक ऐड करें। लो फ्लेम में ही इन तीनों को तल लें और फिर हरी मिर्च ऐड करें और फिर प्याज ऐड करें, बारीक कटी हुई प्याज, और अच्छी तरह तल लें तेल में। लो फ्लेम में ही तलें और फिर प्याज थोड़ी ब्राउन होने तक तलें। थोड़ा ब्राउन कलर आने दें प्याज को और फिर हल्दी ऐड करें। इसके बाद नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लें। हल्दी और नमक को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाएं थोड़ी देर के लिए। इसमें आप चाहें तो माश की दाल ऐड कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं, ये ऑप्शनल है। थोड़े लोगों को पसंद होती है, थोड़े लोगों को पसंद नहीं होती। फिर कोथिंबीर ऐड करें और पका लें। स्टोव ऑफ कर दें। डोसा बैटर में इस मसाले को ऐड कर लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। इस तरीके से ऐड करते हुए मिक्स कर लें अच्छी तरह। इस मसाले को आटे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आप पुलुंटे की कढ़ाई ले लें और इसमें तेल लगाएं ताकि पुलुंटे आसानी से निकलें इसमें से, और फिर उस आटे को इसमें इस तरह डालें और लो फ्लेम में ही पकाएं, ढांक कर पकाएं। इस तरह ढांक दें और लो फ्लेम में ही पकाएं और फिर आपके गर्मा गर्म पुलुंटे तैयार हैं। आप इसको शेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर फल्ली की चटनी या कोई और चटनी जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आसान रेसिपी है। आप इसको बचे हुए डोसा बैटर के साथ इस तरह मिक्स करके इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। गर्मा गर्म पुलुंटे तैयार हैं, तो आइए हम शेजवान चटनी के साथ इसको टेस्ट करें।